This video is brought to you by Howzat. Download the app now. अच्छा, तो आपने किसी अपने सपने मेरे तुम्हारे या टीम 11 पे टीम बनाई थी? टीम तो जीत गई तुम्हारी। आप दो दिन से पैसों का वेट कर रहे हो? Howzat पे आओ। Howzat पे विड्रॉवल बस कुछ ही मिनट्स में। Visit howzat.com, download the Howzat app now. कई बार ऐसी खबरें सामने आती हैं कि किसी बंदे ने किसी को हिप्नोटाइज किया और सारा माल लेकर चंपत हो गया। लेकिन अब टेक्नोलॉजी की दुनिया में ठगों को हिप्नोटिज्म सीखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब माल हड़पने के लिए ठग आपके मोबाइल में ही मौजूद हैं। ये एक तरह की साइबर टप्पेबाजी है। हाल ही में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की बेटी के साथ भी ऐसा ही हुआ। हर्षदा केजरीवाल ने पुराने सोफे को बेचने के लिए OLX पर एड डाला था। स्कैम करने वाले शख्स ने कस्टमर बनकर उनसे संपर्क किया, उनका भरोसा जीता, उसके बाद एक QR कोड स्कैन करने को कहा। जैसे ही हर्षदा ने QR कोड को स्कैन किया, 36,000 रुपए छू मंतर हो गए। हर्षदा जब तक कुछ समझती तब तक काम हो गया था। आखिर क्या है ये QR से की जाने वाली साइबर टप्पेबाजी और इससे कैसे बच सकते हैं, आइए जानते हैं। इस ठगी का स्टाइल एकदम सीधा है, ना कुछ कहने की जरूरत, ना सामने आने का झंझट। हर काम तकनीक करती है। एक QR कोड हथियार बन जाता है। QR कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। ये QR कोड अक्सर स्क्वायर आकार के होते हैं जिसमें सारी जानकारी होती है। अब ठगी का तरीका जान लीजिए स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप है भरोसा जीतना। टेक टप्पेबाज संभावित शिकार का पता लगाने के बाद सबसे पहले उसका भरोसा जीतते हैं। ठग इसके लिए हर उस वेबसाइट पर मौजूद रहते हैं जहां पर कोई अपना सामान बेचने जाता है। हर्षदा ने भी OLX पर पुराना सोफा बेचने के लिए एड डाला था। इसके बाद ठग सामान खरीदने वाला बनकर विक्रेता से कॉन्टैक्ट करते हैं। बातचीत का अंदाज पूरी तरह से कॉन्फिडेंट और थोड़ा अंग्रेजीदा होता है ताकि भरोसा हो जाए कि खरीदार असली है। इसके बाद खरीदार बना ठग दावा करता है कि वो सामान खरीदना चाहता है। ऐसा ही कुछ हर्षदा के साथ हुआ। उन्हें भी ठग ने कहा कि वह सोफा खरीदना चाहता है। अगला स्टेप आता है भरोसे को मजबूत करने का। इसमें ठग विश्वास दिलाते हैं कि वे पेमेंट करने के लिए तैयार हैं। तीसरा स्टेप है खेल की शुरुआत। असली खेल इस स्टेप से ही शुरू होता है। इसमें टप्पेबाज ईमेल के जरिए एक QR कोड भेजता है जिससे बाकी का पैसा दिया जा सके। ठगी का निशाना बन रहे शख्स को यही लगता है कि पिछली बार की तरह स्कैन करते ही बाकी पैसा मिल जाएगा। लेकिन इस QR कोड को स्कैन करते ही शिकार अपने UPI पेमेंट के इंटरफेस पर पहुंच जाता है। ऐसा ही कुछ हर्षदा के साथ भी हुआ। जब हर्षदा को वो अमाउंट मिला तो ठग ने एक और QR कोड भेजा और बाकी का अमाउंट लेने के लिए उसे स्कैन करने को कहा। हालांकि जब हर्षदा ने कोड स्कैन किया और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया तो उनके अकाउंट से पहली बार में 20,000 रुपए कट गए। अब आता है चौथा स्टेप, काम तमाम। इस स्टेप में शातिर टप्पेबाज फाइनल काम तमाम करते हैं। जैसे ही शिकार के पैसे कटते हैं वे खरीदार बने बंदे को फोन मिलाता है कि मुझे पेमेंट मिलने के बजाय उल्टे मेरे पैसे कट गए हैं। इस पर टप्पेबाज पैसे वापस करने की बात कहकर फिर से एक QR कोड स्कैन करने को कहते हैं। जैसे ही हैरान परेशान शिकार फिर से कोड स्कैन करता है और बताए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, एक और अमाउंट खाते से कट जाता है। हर्षदा ने भी यही किया और उनके 16,000 रुपए दूसरी बार में कट गए। इस तरह से उन्हें 36,000 रुपए की चोट लगी। अब आपको बताते हैं कि ऐसे केसेस में आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले अगर मुमकिन हो तो अकाउंट में बचे हुए पैसों को अपने किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर लें। अगर फिर भी ठगी हो जाए तो 112 नंबर पर कॉल करके अपने साथ हुई ठगी को रिपोर्ट करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो टप्पेबाज कभी नहीं पकड़े जाएंगे और दूसरों को भी निशाना बनाएंगे। ट्रांजैक्शन से लेकर QR कोड तक सहेज कर रख लें क्योंकि पुलिस को जांच के लिए इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। तकनीक की कम समझ कहें या टप्पेबाज की होशियारी, बिना तकनीकी जानकारी के आगे ना बढ़ें। एक बात हमेशा याद रखें कि QR कोड के जरिए किसी को पैसा तो भेजा जा सकता है लेकिन ऑटोमेटिकली रिसीव नहीं किया जा सकता। मतलब ये कि QR कोड को स्कैन करने पर आपके अकाउंट में पैसा तभी आएगा जब कोई उसे परमिशन देगा। टप्पेबाज ने हर्षदा को जो पहला पेमेंट भेजा था वे उसने खुद परमिट किया था, ना कि खुद ब खुद आ गया था। अब जानिए कि सामान खरीदने वाली वेबसाइट पर क्या करें। सीधा फंडा है, जो भी पेमेंट लेना है उसे सीधे अकाउंट में ट्रांसफर कराएं। रिसीव होने का मैसेज ही नहीं बल्कि बैंक के ऐप में जाकर चेक भी करें। हो सके तो पैसा ट्रांसफर करने के लिए तभी कहें जब सामान लेने वाला डिलीवरी लेने आपके घर या बताई हुई जगह पर आए। आपके लिए रिपोर्ट लिखी थी हमारे साथी अमित ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया। फेसबुक पर क्या फैला,
ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह, सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।